नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज सहयोगी मीडिया प्रकाशवाणी के साथ। हम अभी हैं मानपुर पंचायत में, जो लालगंज विधानसभा में आता है, मानपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में। और हम यहां देखने आए हैं कि जो वर्तमान मुखिया थे उनके द्वारा यहां विकास के बाढ़ लाया गया है या बरसात वाला बाढ़ आया है, इसी की जायजा लेने आए थे। और यहाँ पता चला कि यहाँ की रोड की जो स्थिति है यह लगभग वर्षों से ऐसे ही बना हुआ है, अगर संभल के ना चले तो कहीं भी गिर सकते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं क्या है यहाँ का समस्या। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवजी सिंह है। क्या यहाँ का समस्या है? यहाँ की समस्या बड़ी जर्जर गंभीर है। क्या है? यहाँ पर रोड पर कोई सही से चल नहीं सकता है, यदि संध्या पर चले तो कहाँ गिर जाएगा, कहाँ गोड़ हाथ टूट जाएगा, कोई गारंटी नहीं। ऐसा रोड कब से यह? ये पहले तो सोलिंग था तो उतना नहीं था, जब से सोलिंग कर दिया गया है, इस पर पीचिंग नहीं हुआ, चाहे पलस्टिंग नहीं हुआ डाला है, उस समय सारी इसकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। गिट्टी डाल के छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया गया है। ठीक है, और कोई ऐसा बताइए जो वर्तमान मुखिया नहीं किए हो काम? मुखिया जी आए हैं तो मुखिया जी क्या करेंगे, जब से यहाँ से जीत के गए हैं तो कुछ नहीं के दोबारा गाँव में मतलब जीत के गए 5 साल में एक बार भी नहीं यहाँ आए नहीं। अभी चुनाव के टाइम है, चुनाव के टाइम पर अभी आए हैं कि नहीं? अभी आए हैं, सुनने में आया है कि फिर खड़ा हुए तो नहीं है, लोग को गोर लगना है ये है। तो चुनाव के वक्त तो गोर लगते हैं नेता लोग, हाँ, और जीतने के बाद जनता उनको गोर लगता है, हाँ, है। तो इस पर क्या आपका? चुनाव के समय अभी किसी तरह से जनता को रुझा करके अपने बस में कर करके चुनाव जीत करके जब चल जाएंगे तो फिर जनता दोबारा 5 साल जनता उनको सलामी करेगा, गोर लगेगा। एक बात और बताइएगा, इस पंचायत में परिवर्तन का लहर बह रहा है या पुराना ट्रैक पर ही चल रहा है? परिवर्तन के तो हर तरीके तो नहीं हुआ सर, या ग्राम पंचायत भी बना है जैसे तैसे पड़ा हुआ है, यहाँ पर आज तक लागू हुआ ना कुछ हुआ, चालू हुआ लगे जैसे तैसे पड़ा हुआ है। यह मानपुर पंचायत का ग्राम पंचायत भवन है जो अब तक बंद ही है, जब से बना है तब से बंद है। आइए और लोगों से पूछते हैं, अब यह नाम बताइए। मेरा नाम रामजतन पासवान हुआ। यह बताइए कि यहाँ पे शौचालय योजना देना था, प्रधानमंत्री का सबसे भावी योजना था शौचालय, घर घर शौचालय, तो शौचालय योजना का आपको लाभ मिला या नहीं? हमको तो नहीं मिला है। लाभ नहीं मिला? नहीं, क्यों मिला? क्यों नहीं मिला, हम क्या कर क्या डॉक्यूमेंट वगैरह जमा किए? नहीं, जब जमा नहीं किए। कभी मुखिया से इस पे बात की है? बात तो हुआ था, बोले थे कि मिल जाएगा, बाकी अभी तक तो नहीं। 5 साल के अंदर अभी तक नहीं मिला। बोलिए, नाम बताइए। दिलीप कुमार। यहाँ का मूल समस्या एक दो बताइए, जो मूल समस्या है जिससे जनता को फायदा हो। यहाँ तो रोड नहीं है, ठीक है, नाला नहीं, नाला का व्यवस्था नहीं है, पानी जहीं तहीं रोड पर लग जाता है, तो बारिश होता है, यहाँ से आने जाने के लिए दिक्कत होता है। एक चीज बताइए, यहाँ से कुल कितना मुखिया प्रत्याशी खड़ा है? यहाँ से तीन मुखिया प्रत्याशी अभी हैं, तीनों का चुनाव चिन्ह भी आ गया होगा, दौरा भी कर ही रहे होंगे लगभग। कभी उन लोग से पूछे नहीं कि जीतने के बाद आप 5 साल में यह विकास नहीं कर पाए तो अब क्या जीतने वो अभी नहीं आए हैं? जो वर्तमान में अभी मुखिया हैं जी, वो अभी नहीं आए, अभी तक नहीं आए, 5 साल के भीतर कभी आए? कभी नहीं आए। ये बताइए, मानपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में नल जल का क्या व्यवस्था है? नल जल का व्यवस्था तो है, लग गया है पाइप उप नल, वो सब लग गया है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी आता नहीं है, माने कि नल है लेकिन जल नहीं, नहीं। देखिए नीतीश बाबू के सबसे बड़का योजना है हर घर नल जल योजना, तो माने नल आ गया है, जल नहीं, जल नहीं। पानी वाला बाढ़ वाला जल घुसा है कि ना पूरे घर में? पूरा रोड परेशानी हुआ है, बच्चा को लेकर। देखिए नीतीश बाबू, ये आपका सबसे भावी योजना था नल जल योजना, हर घर में नल का जल, बारिश का जल तो घुस गया लेकिन नलवा में से जल नहीं निकल रहा है, तनिका ध्यान दीजिए मुखिया लोग पर, अभी तो चुनाव के टाइम हुआ है। आइए कुछ महिलाएं से बात करते हैं। अपने के घर में पानी घुसल है अभी? हाँ, अभी घुसल है, साधन ना है। मुखिया जी से कोनो लाभ मिलक सरकारी योजना के? कुछ ना, कुछ ना। मुखिया जी कहियो एलन ना? हमरा सबके कभी घूमे ना आए। मुखिया जी तक अपने खबर भेजवाई लिए कि हमरा घर में पानी ले आता है तो ना उसको भी खींचिएगा? एक महीना दौड़े दौड़ने है। क्या कहन मुखिया जी? मुखिया जी अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन कोई लाभ न दे। 5 साल हो गया कुछ, 5 साल में कुछ नहीं वार्ड करा। अभी बाढ़ आए लहलक है तो चूड़ा मीठा मिल रहा कुछ? नल जल के पानी है? नल जल के सर वो हाँ गराया हुआ है, लेकिन पानी आवल अभी ना आयला। चंदन कुमार, क्या समस्या है? ये मानपुर में पानी तो निकलने का साधन नहीं है,
नाला नहीं है, पाँच साल में मुखिया, पाँच साल में मुखिया को कभी यह कहने की कोशिश की है कि यहाँ नाला की आवश्यकता है? मुखिया की आँख नहीं है, मुखिया नहीं आता है एक बार। अब तो मुखिया तो एक बार कह दू एवे नहीं किया, आँख कहाँ से होगा, ओकरा तो कान न होगा सुनने के। वो कान में खबर गया, लेकिन कोई सुनवाई खबर किया है एकदम गया। तो एमरी फिर वही मुखिया आएगा कि फिर दूसरा मुखिया चुनिएगा? अब मुखिया के तब निर्णय अभी नहीं ले सकते, अभी नहीं लीजिएगा, चुनाव के टाइम में लीजिएगा। एकदम दो दिन बचेगा तो हमें निर्णय लेंगे। इसका आप अपना? हमारा नाम जलिंदर पासवान, घर तो इसी पंचायत में होगा, मानपुर में, वार्ड संख्या 6 में। आवास योजना आपको मिला था? उतना तो हम नहीं पढ़ लिखा, मतलब घर इंदिरा घर वाला जो इंदिरा आवास कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना उसका नाम। तो बोले ना कि पास हुआ, आधा मिला आधा खा गया। नाम बताओ अपन। हम तो निर्वाला देवी नाम। क्या समस्या है? समस्या तो ये है कि वो पैखाना के पैसा मिल रहा, आना राशन कार्ड है, कुछ नहीं, कुछ ना है, कुछ ना। क्या है? काहे ना सब मुखिया जाना, चाहे सरपंच जाना। मुखिया से कभी संपर्क कई नहीं? बहुत भैया, मुखिया तो कुछ बोलवे ना करा। क्या जवाब दे बोलन मुखिया? जब मुखिया तो जवाब से करे के हमके आहा के करे के से करू हम ओकर अथी ले सके। वाह, अच्छा अभी पंचायत चुनाव आयल है, मुखिया जी अइहन भेंट करे तभी वोट हन। नाम बोलू? इंदु देवी। क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोग के अनाज इतना लॉकडाउन हो गया, हम लोग के अनाज नहीं, अनाज तो बिना राशन कार्ड वाला के मिले ही नहीं, पाँच किलो जैसी है से देवाया है, न तो हम लोग के अनाज नहीं मिला। कई परिवार के नाम है? हमारे दो बेटा मतारी है, अभी पुतो है, तो नाम दे दो ही आदमी के नाम है। राशन कार्ड है? नहीं नहीं न है, नहीं है, मात्र पाँच किलो दो आदमी में अनाज मिला। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोरोना काल में मारे मास्क का साबुन बांटे लगी मुखिया से पैसा मिल गया, तो मिला करा? हां, अनाज ना मिला, अनाज का नहीं मिला मुखिया से। ये बात पर कहली कभी? हां, क्या कह रही हूं, मुखिया कहां गए हैं तो वो कहा कि हमको इस के लिए हमको पहुंचना ही है, हम लोग नहीं लिख के दे सकते।